एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ आइडियल पब्लिक स्कूल एंड दिस इज मी सृष्टि चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पार्ट फर्स्ट लेकर के आए थे, जिसमें हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जाना था कि सेंटेंस क्या होता है एंड उसके पार्ट्स क्या होते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंसेस लेकर के आए हैं। काइंड ऑफ सेंटेंसेस कहने का मतलब क्या कि सेंटेंस कितने काइंड के होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो सेशन। एंड आज का टॉपिक हमारा है काइंड ऑफ सेंटेंस। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जान ही लिया था कि सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि उसका एक सेंस निकले। अगर कोई सेंटेंस है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड है और उसका सेंस नहीं निकल रहा, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो उसे सेंटेंस नहीं बोलेंगे। और सेंटेंस के पार्ट्स आप जानते ही हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब हम बढ़ते हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। लिखा हुआ है यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एसर्टिव सेंटेंस, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस? देखिए फ्रेंड्स, एसर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। एसर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्यों बोलते हैं? एसर्टिव सेंटेंस सबसे पहले होता क्या? तो एसर्टिव सेंटेंस मीन्स ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके थ्रू कुछ डिक्लेयर होता है, इट डिक्लेयर समथिंग, अंडरस्टैंड। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एसर्टिव सेंटेंस या फिर व्हाट इज एसर्टिव सेंटेंस, देन आप क्या बोल सकते हो कि अ सेंटेंस व्हिच डिक्लेयर्स समथिंग। एक बार फिर से सुन लीजिए, अ सेंटेंस व्हिच डिक्लेयर्स समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज एसर्टिव सेंटेंस। और एसर्टिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, कि ही एट ब्रेकफास्ट फ्रॉम हिज टिफिन बॉक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने लिखा ही एट ब्रेकफास्ट फ्रॉम हिज टिफिन बॉक्स, मतलब उसने अपना ब्रेकफास्ट किया कहाँ से? टिफिन बॉक्स से। उसने टिफिन बॉक्स से अपना ब्रेकफास्ट खाया, ठीक है। तो यहाँ डिक्लेयर हो रहा है कि उसने टिफिन बॉक्स से अपना ब्रेकफास्ट क्या किया है? खाया है। तो कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके थ्रू डिक्लेरेशन होता है, जो डिक्लेयर करता है, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंस। एंड एसर्टिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक और बात पॉइंट टू बी नोटेड है फ्रेंड्स, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि ये जो सेंटेंस होता है, ये स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से एंड एंड होता है फुल स्टॉप से। डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप, अंडरस्टैंड। तो आप देखिए, एसर्टिव सेंटेंस आप लोगों ने जान लिया कि क्या होता है एंड इसका डेफिनेशन भी जान लिया। अब देखिए, एसर्टिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या कि ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव वर्ड कभी एडेड नहीं होते, नेगेटिव वर्ड कभी भी इंक्लूडेड नहीं होते।
अब नेगेटिव वर्ड ऐड या इंक्लूड होने का मतलब क्या होता है? इसमें कभी भी नो, नॉट, नेवर, नाइदर, ये सारे वर्ड्स का यूज नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और इसमें कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं होता, इसलिए इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि विद्या इज अ गुड गर्ल, विद्या एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं बोला कि विद्या इज नॉट अ गुड गर्ल, इसमें नो नॉट का तो यूज है नहीं। तो मैंने बोला विद्या इज अ गुड गर्ल, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ विद्या एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके के नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में क्या होते हैं? नेगेटिव वर्ड एडेड रहते हैं। जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, नाइदर हो गया, तो जिसमें नेगेटिव वर्ड एडेड रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला था विद्या इज अ गुड गर्ल, अगर मैं बोलूं कि विद्या इज नॉट अ गुड गर्ल, मतलब विद्या एक अच्छी लड़की नहीं है, तो यहाँ नॉट वर्ड का यूज किया, नेगेटिव वर्ड का यूज किया, तो अब तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा नहीं, अब ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? तो एक बार फिर देख लीजिए, एसर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है, अ सेंटेंस विच डिक्लेयर समथिंग। अंडरस्टैंड? इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड एंड विद फुल स्टॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। अफर्मेटिव इज ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव सेंटेंस, एंड नेगेटिव में आप जानती ही हो कि नेगेटिव वर्ड एडेड होते हैं, नो, नॉट, नाइदर, है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस विच आस्क द क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, एक ऐसा सेंटेंस जिससे क्वेश्चन आस्क किया जाए, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी आइडेंटिटी होती है कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क। इसकी आइडेंटिटी है, हम किसी भी सेंटेंस में इसको पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन यू कैन आंसर दैट अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन आस्क करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बहुत ईजी हो गया। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज यस आर नो क्वेश्चन, सेकेंड इज क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन, थर्ड इज अल्टरनेटिव क्वेश्चन, एंड फोर्थ इज क्वेश्चन टैग। ओके, देयर आर फोर कैटेगरीज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट इज यस आर नो टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग क्वेश्चन। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यस आर नो क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करते हैं यस आर नो क्वेश्चन की, तो कहने का मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसका आंसर हमें या तो सिर्फ यस या फिर नो में देना रहेगा, या तो फिर यस में उसका आंसर होगा या तो नो में। तो ऐसे सेंटेंसेस या फिर ऐसे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस जिसका आंसर यस आर नो में दिया जाएगा, दैट इज यस आर नो क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? जैसे इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिखती हूं, तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा आर यू गोइंग टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो। तो
इसका आंसर सिर्फ हम दे सकते यस मैं जा रहा हूँ या नो मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब जिन सेंटेंसेस का, जिन क्वेश्चन सेंटेंसेस का आंसर सिर्फ यस या फिर नो में दिया जाए उसे हम कहेंगे यस आर नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। ओके अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? इसकी स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चन वर्ड से की जाती है। इसकी स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चन वर्ड से की जाती है, जैसे क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर एक्सेट्रा। मतलब जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग किसी भी क्वेश्चन वर्ड से होगी उसे हम क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अगर पूछते हैं कि हाउ आर यू, ओके हाउ आर यू, तो यहां आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से हुई है हाउ। तो कहने का मतलब क्या कि जिन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होगी दैट इज क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। अंडरस्टैंड? अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन सेंटेंस मतलब कि ये कैसे क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही टाइम पर एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक समय पर मोर देन वन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूं कि तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि इज ही गोइंग टू द मार्केट और बैंक। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा कि इज ही गोइंग टू द मार्केट और बैंक। तो यहां आप देख सकते हैं एक ही टाइम पर दो क्वेश्चन किए जा रहे हैं। वह क्या वह बाजार जा रहा है या फिर बैंक जा रहा है? तो यहाँ पूछा जा रहा है क्या वह बाजार जा रहा है या फिर बैंक जा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही टाइम पर एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा क्वेश्चन किए गए हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि जहां पर जिस सेंटेंस में एक ही टाइम पर मोर देन वन क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन सेंटेंस। अंडरस्टैंड? तो जहां पर एक समय पर मोर देन वन क्वेश्चन आस्क किए जाए वहां अल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चन सेंटेंस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग क्या होता है? कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग तो स्टेटमेंट से होती है बट लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन लगा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या कि देखने में तो स्टार्टिंग लगेगी कि वो एक स्टेटमेंट से स्टार्ट हुआ है बट लास्ट में एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन लगा दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को टैग्ड कर दिया जाएगा। ओके इसीलिए ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। मीन्स दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस स्टार्ट विथ अ स्टेटमेंट बट एंड विथ अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये स्टार्ट होते हैं सिंपल स्टेटमेंट के साथ बट एंड होते हैं छोटे से क्वेश्चन के साथ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूं यहां पर कि यू देखिए यहां पर मैंने यहां क्या लिखा कि यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, हैव यू? तो स्टार्टिंग देखिए स्टार्टिंग तो एकदम स्टेटमेंट से हुई है कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। क्या किया है? क्या तुमने किया है? तो कहने का मतलब क्या कि यहां स्टार्टिंग स्टेटमेंट से हुई बट यहां लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन लगा दिया गया। यहां लास्ट में कॉमा के बगल में शॉर्ट क्वेश्चन लगा दिया गया, इसी को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन टैग। ये जो हैव यू मैंने लिखा यही क्या है? क्वेश्चन टैग। स्टार्टिंग विथ स्टेटमेंट बट एंड विथ अ शॉर्ट क्वेश्चन।
एंड दिस इज क्वेश्चन टैग, अंडरस्टैंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट से हुई है लेकिन एंडिंग शॉर्ट क्वेश्चन से हुई है। ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन टैग टाइप सेंटेंस। देखिए इसकी इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन टैग वर्ड होते हैं, ये जो हैव यू मैंने लिखा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन टैग है बिकॉज ये शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के लास्ट में यूज हुआ है ना। तो ये जो क्वेश्चन टैग वर्ड होते हैं ये अधिकतर क्वेश्चन टैग में अधिकतर टू वर्ड्स का यूज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पर हैव और यू, फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड। तो क्वेश्चन टैग वर्ड में अधिकतर टू वर्ड्स का यूज होता है, अंडरस्टैंड। एक और बात पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर क्या रहेगी कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, एंड अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव रहेगा। मैंने क्या बोला कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव होगा। हम आप लोग कह रहे होगे ये क्या मैम प्लस माइनस लिखने लगे, वो मैंने डिनोट किया है, इसे एक्चुअली में आप पॉजिटिव लिख लेना, ओके। तो स्टेटमेंट अगर हमारा पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, प्लस नहीं, पॉजिटिव होने का मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का, मैंने पहले ही बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस, उसे पॉजिटिव सेंटेंस बोला जाता है। तो पॉजिटिव मतलब कि इसमें किसी भी तरीके का नो नॉट यूज नहीं होगा। तो अगर स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव रहेंगे मींस नो नॉट नहीं यूज रहेगा, तो क्वेश्चन टैग में हमें नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा, नो नॉट यूज करना होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में नो नॉट है मींस स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग में हमें नो नॉट यूज नहीं करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पर स्टेटमेंट में नेगेटिव यूज है, नॉट लगा हुआ है ना। तो हम लोगों ने जाना है कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, इसलिए देखिए यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर मैंने नेगेटिव यूज नहीं किया है, अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन क्या होता है, क्वेश्चन टैग वर्ड में मैक्सिमम टू वर्ड्स ही रहते हैं, एंड अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रहेगा, और स्टेटमेंट नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा, अंडरस्टैंड। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके टाइप। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके थ्रू ऑर्डर एक्सप्रेस हो, एडवाइस एक्सप्रेस हो, सजेशन एक्सप्रेस हो, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस हो, या फिर प्रेयर एक्सप्रेस हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस द कमांड, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, प्रेयर, दैट इज कॉल्ड एज इंपरेटिव सेंटेंस। मैंने क्या बोला कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके थ्रू ऐसा लगे कि उस सेंटेंस के थ्रू या ऑर्डर दिया जा रहा है एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, या फिर सजेशन दिया जा रहा है, या फिर प्रे किया जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे अगर मैं बोलती हूँ प्लीज गिव मी 1 कप ऑफ कॉफी, कि कृपया कर मुझे 1 कप कॉफी दे दीजिए, तो कहने का मतलब क्या कि मैंने यहाँ रिक्वेस्ट किया है, प्लीज वर्ड मैंने प्लीज यूज किया, यहाँ मैंने रिक्वेस्ट करा है। तो जहाँ पर मैंने बोला ही कि ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन या प्रे किया जाता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे बी क्वाइट स्टूडेंट, मैंने बोला यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, तो कहने का मतलब क्या, जहाँ ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट सजेशन प्रेयर किया जाए वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस, तो आप क्या बोल सकते हैं, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस द कमांड सच एज ऑर्डर रिक्वेस्ट परमिशन, सॉरी ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन एडवाइस प्रेयर,
दैट इज कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंस। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ये एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग को, मतलब ये भावनाओं को दिखाता है, ठीक है, ये भावनाओं को एक्सप्रेस करता है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी पहचान क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है कि इसमें जो सेंटेंस रहेगा, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड रहेगा उसके लास्ट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज रहेगा, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरस्टैंड। तो इसकी पहचान होगी कि इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद इस मार्क का यूज रहता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इट एक्सप्रेस द सडन फीलिंग। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ सबसे पहले तो आप पहचान ही गए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। बट मैंने बोला है और एक और बात कि मैंने बोला था कि इसमें सडन फीलिंग एक्सप्रेस होती है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा, हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे मैं मैच जीत गया या जीत गई। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ हैप्पीनेस की फीलिंग को शो किया जा रहा है। मैंने बोला था ना यहाँ फीलिंग्स को शो किया जाएगा, तो यहाँ कौन सी फीलिंग शो की जा रही है? हैप्पीनेस की, खुशी की, कि हुर्रा आई वॉन द मैच। तो ये तो हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो गया, इसके थ्रू ही इस सेंटेंस में हैप्पीनेस की फीलिंग को दिखाया गया, एक्सप्रेस किया गया। तो जहां पर कहीं भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, सडन फीलिंग्स को, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सो हम लोगों ने चारों काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी, अंडरस्टैंड। और इफ अगर अभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, राइट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, हम लोग उसका आंसर 100% डेफिनेटली देंगे। पर तब तक के लिए आप लोग आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है आप लोग उसको रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।